हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल प्रोडक्ट रिव्यूज। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वाइफ को वैक्सीनेशन करवाने जा रहा हूँ और मेरा तो आपको पता ही है कि मुझे तो कोविड हो गया था, तो अभी वैक्सीनेशन मेरे को नहीं कराना, थोड़ा टाइम रुक के मैं कराता वैक्सीनेशन। लेकिन मेरे को एक चीज़ पता लगी कि बेसिकली स्लॉट बुक करना बड़ा ही मुश्किल टास्क हो रखा है आज की डेट में। जैसे ही आप बुक करने जाओ कोविन से, तो होता क्या है, फटाफट सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं, पता ही आप कितनी भी स्पीडली काम करो। तो कुछ एक टिप्स मेरे को पता लगे, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अगर कोविन से बुक कर रहे हो स्लॉट, तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आप किसी भी तरीके से या तो आरोग्य सेतु ऐप से या फिर कोविन के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लें, अपने आधार कार्ड या किसी जिस भी आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर एक बार हो गया, हालांकि एक चीज़ ध्यान रखें कि एक टाइम में शायद आप एक ही आदमी का वैक्सीनेशन बुक कर रहे हैं, और इसलिए आप ऐड भले ही कई लोगों को कर लें, लेकिन जो वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई करें वो एक एक करके ही करें। तो उसमें हुआ क्या कि देखिए जरा फालतू का और मालूम, तो जो भी है वो आपने बुक कर लिया, एक बार रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर करने के बाद आपका नाम रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी आता है स्लॉट बुक करने में दिक्कत, तो वो दिक्कत किस तरीके से आप उस दिक्कत से बचें, तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करनी है। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपने टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको एक ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो होगा ये कि उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। जैसे जैसे स्लॉट आपके एरिया में जो भी स्लॉट ओपन होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि फलाना एरिया में आपका स्लॉट ओपन हुआ है, इतनी वैक्सीन है, उसके लिए आप बुक कर सकते हैं। तो आपको उस स्लॉट को बुक करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब होता क्या है, लोग अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते ही वो स्लॉट पहले फटाफट बुक हो जाते हैं, 100 वैक्सीन आई, 150 वैक्सीन हुई, उसके बाद भी वो बुक हो जाते हैं। लेकिन अब आप क्या करें, उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें आपने, क्योंकि वो कोविन टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो टेलीग्राम के ग्रुप पर जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आप क्या करें, दो तीन दिन तक ये रीड करें कि ये नोटिफिकेशन आपके पास जो आपके पास आते हैं वो किस टाइम पे आते हैं। यूजुअली कई बार फिक्स टाइम पे आते हैं, अब 9:30 बजे आ रहा है, तो कल भी अराउंड उसके आसपास ही आएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि फिक्स टाइम पे आने की वजह से होता क्या है कि आपने क्या करना है, पहले से ही लॉग इन करके रखना है। पहले से ही लॉग इन करने से क्या होगा कि आपको उस बाकी चीज़ों से टाइम वेस्ट जो होता है, जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आता है, OTP आने के बाद आप उसको OTP फिल करते हो, फिर आप लॉग इन होते हो, तो वो सब चीज़ें आप बाईपास कर दोगे क्योंकि आप वो पहले ही कर चुके होगे, थोड़ा पहले। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा एक घंटा पहले करके बैठ जाएं, अगर होता भी है तो आप बार बार उसको ट्राई करते रहें, और लॉगिन लेकिन आपका पहले होना चाहिए, पहला पॉइंट ये है। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आपके पास आता है, क्योंकि आप पहले से लॉगिन है, तो आप फटाफट अपना 18 प्लस या 45 प्लस का ऑप्शन चूज करके, और फटाफट जो भी वैक्सीन है आपको, कोविड कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी सेलेक्ट करना है, या अभी पुतिन वाली भी आ रही है उसको आप सेलेक्ट करना है, जिसको भी करना है फटाफट करके आप सर्च करिए, और सर्च करने के बाद आप जो ऑप्शन आपको डिजायर्ड ऑप्शन है, आपको जो चाहिए वो उस पर क्लिक करके आप उसको बुक कर लीजिए। मेन चीज़ ये है कि आपको पहले से ही लॉगिन रहना है और बहुत प्रिसाइज रहना है, ये नहीं कि आप उस टाइम आप ये सोचने बैठ जाएं या कोविशील्ड लगाऊं या कोवैक्सीन लगाऊं, फटाफट डिसाइड पहले से कर लीजिए, पहले से करने के बाद फटाफट आप उसको आगे प्रोसेस करिए, कैप्चा डालिए, आगे चलिए, तो उससे आपका वो आराम से हो जाएगा। मेरा भी इसी तरीके से हुआ था, तो वो जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में, आप देखिएगा बहुत फायदेमंद चीज़ है ना। सैनिटाइजर जरूर लेके जाएं साथ में, देखिए मैं भी लेके जा रहा हूँ, वाइफ के पास भी है, सैनिटाइजर जरूर लेके जाएं। भले ही आपने वहाँ पे कुछ छुआ नहीं छुआ, लेकिन वहाँ से निकलते ही पहला काम आपका ये होना है कि आप साबुन से हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे, और बिल्कुल साफ करेंगे अपने आप हाथ। आपको वैक्सीन लगने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पे आपको बतानी चाहिए, जैसे कि कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है आपको पुराना कभी कहीं किसी वैक्सीन से एलर्जी वगैरह हुई हो, तो वो सब चीज़ें आप उन सेंटर पे वैक्सीन लगने से पहले ज़रूर बता दें। वैक्सीन से वैसे कोई ज़्यादा कोई दिक्कत भगवान की दया से नहीं आ रही किसी को भी, बहुत कम केसेस आ रहे हैं। और उसके अलावा घर जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि कुछ लक्षण हो सकते हैं जो कि सिर दर्द, बुखार या बॉडी पेन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कि 2 से 3 दिन के अंदर बड़े आराम से चली जाती है, उस कई कई केसेस में तो पहले भी चली जाती है ये सब चीज़ें, ये सारी दिक्कतें। क्लियर नहीं आ रहा शायद, चलिए एनीवे जैसा भी है ना। अब उसके बाद मैं बताऊँ आपको, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़्यादा आपको महसूस होता है तो आप कोविड सेंटर पर अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। और वैक्सीनेशन के बाद कुछ डाइट वाइट के लिए क्या कंट्रोल करना है आपको, वो भी ध्यान रखिएगा। लिक्विड जरूर लीजिए, अच्छा जूस वगैरह लीजिए, और इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाने के लिए आप फाइबर रिच फूड खाइए, और इसके अलावा जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए, पानी वानी ज़्यादा पी के रखिए, जूस ज़्यादा पी के रखिए, मतलब एडिक्वेट, यानी कि बिल्कुल फटाफट फटाफट पिए ही जाए। हरी सब्जियाँ खाइए, फ्रूट्स खाइए, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक छोटा सा मिथ
लोगों में फैला हुआ है कि ये वैक्सीन जो सरकार लगवा रही है इससे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इससे इनफर्टिलिटी हो जाए ताकि लोगों में और पॉपुलेशन कम हो, तो ये चीज़ गलत है बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो WHO कब का इसको खारिज कर चुका होता, और वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें चल रही हैं, तो इस चीज़ को ना ऐसी बातों को फैलाएं और ना ऐसी बातों में भी विश्वास करें। और तो बस इस तरीके ये चीज़ ध्यान रखें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, है ना। और ध्यान रखें आपकी कोविन वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से आप 2-3 दिन ध्यान देंगे इसके ऊपर, तो आने वाले टाइम में आपको आप इसके लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे और आराम से स्लॉट बुक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बाय, फिर मिलते हैं, अभी वैक्सीन लगवा लूँ, वो पीछे बोर हो रही होगी, तो बाद में बात करते हैं। बाय।